रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाले मुकाबले से कुछ घंटों पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित की चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। देखने को मिलने वाले हैं दो बड़े बदलाव। जानेंगे क्या होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 में आज शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाना है। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी रहने वाले हैं, जिनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है, तो दूसरी तरफ होंगे फैफ डुप्लेसी, जो पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खिताब दिलाना चाहेंगे। आपको बता दें, पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम प्ले ऑफ तक पहुंची थी। हमेशा से चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में हमें रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं और एक बार फिर से हमें धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रदर्शन भी अभी तक मिला जुला देखने को मिला है। 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की, तो वहीं चेन्नई की टीम को 2 मुकाबलों में हार मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने भी 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 2 मुकाबलों में हार मिली है। अभी तक खेले गए मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आई है, चाहे फिर वो ओपनिंग जोड़ी हो या फिर मध्यक्रम, सभी रन बना रहे हैं। हालांकि गेंदबाजों ने काफी ज्यादा निराश किया। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर 2 मुकाबलों में हार मिली है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी कमजोर गेंदबाजी ही रही। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी भी कमजोर नजर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का टॉप ऑर्डर लगातार रन बना रहा है। आज शाम को होने वाले इस महामुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हमें 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मध्य क्रम में खेलने वाले शिवम दुबे अभी तक सिर्फ एक ही अच्छी पारी खेल पाए हैं। शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह सुब्रांशु सेनापति टीम में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज सिसांडा मगाला चोटिल हो चुके हैं और आने वाले 2 हफ्ते तक कोई भी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। मगाला की जगह प्लेइंग 11 में मथीसा पथिराना शामिल हो सकते हैं। पथिराना इस सीजन में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। आज शाम को होने वाले इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, ड्वेन प्रिटोरियस, सुब्रांशु सेनापति, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, मथीसा पथिराना, महेश तीक्षणा, तुषार देश पांडे और आकाश सिंह को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।